वेलकम है आपका फिर से नए मोटो व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। कल का दिन भी बहुत थकान भरा रहा था। बस यार जो इससे पहले वाला व्लॉग था जब हम मुकुंद के घर पे गए थे फंक्शन में, क्योंकि उसकी जो उसकी भांजी हुई थी चक्कर में छठी थी, तो छठी के फंक्शन में हम गए थे। बाकी ये वही स्कूटी है जो आपने उस दिन देखी थी मोटर व्लॉग में। कैमरा एंगल अगर सही नहीं लग रहा होगा तो उसके लिए बहुत बड़ा वाला सॉरी बोलता हूँ मैं आपको, क्योंकि कैमरा एंगल मेरी कोशिश है कि सही रहे, होपफुली ये भी सही रहे कैमरा एंगल। और अभी ऑफिस ही पहुँच रहा हूँ मैं, ऑफिस पहुँचने के बाद छोटे मोटे काम है फिर वो निपटाऊँगा, और वहाँ से जब फ्री हो जाऊँगा फिर से मोटो व्लॉग में मिलूँगा। फ्री होने के बाद दोबारा कंटिन्यू करूँगा फिर व्लॉग को। तो ये मोटो व्लॉग वैसे ज़्यादातर लोग कभी कभार मेरे को ऐसा मतलब बहुत से लोग ऐसे देखते हैं मेरे को कि ये बंदा कर क्या रहा है, और गली मोहल्ले में भी जैसे नए नए यूट्यूबर होता है कोई बंदा, और गली वाले भी सोचते हैं कि पता नहीं ये बंदा कर क्या रहा है, ये क्या चीज़ है, मतलब घूर घूर के देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। लेकिन मैं अभी थोड़ा बहुत शाय हूँ अभी भी, मेरे को अभी भी थोड़ा बहुत अजीब लगता है पब्लिक के अंदर, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी जो शाय फीलिंग है वो ख़त्म सी हो रही है। कौन सी जगह है लेकिन उन्होंने बैन कर दिया है किसी एक जगह, मोटो व्लॉग को बैन कर दिया है कि लॉ में, मतलब उस जगह पे ये हो गया है कि यहाँ पे नहीं चलेगा मोटो व्लॉग, नहीं हो पाएगा। पता नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने मना किया लेकिन किया है। सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ऐसे ही तो 2022 में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, क्योंकि यार प्लीज़ मैं देख रहा हूँ बहुत सी वीडियोस में मतलब रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लेकिन प्लीज़ यार एक लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि 2022 में मैं 2022 में अपना मतलब यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा सकूँ, मेरा ये मोटिव है। और उस मोटिव को आप ही पूरा कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। फोटो ब्लॉग इसलिए बनाना पड़ता है, हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि तेरी वीडियो में कुछ खास तो होता नहीं है, तेरी वीडियो में कुछ खास तो होता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ चलो ठीक है कुछ खास होता हो या नहीं होता हो, लेकिन जो मुझे मेरी वीडियो को जो नेगेटिव ले रहे हैं और मेरी वीडियो को जो पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो लोग पॉजिटिव है मैं मेन उनके लिए बनाऊँगा, क्योंकि क्या है कि मेरे पे टाइम की भी कमी है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता ज़्यादा इधर उधर घूमने, क्योंकि अगर मैं पूरा ट्रैवलिंग पे उतर जाऊँ या बहुत ही ज़्यादा पैसा हो मेरे पे तो मैं ट्रैवलिंग करूँ और आपको भी अच्छा लगेगा, और कैमरे पे खर्चा करूँ, 2-4 लाख का कैमरा ले लूँ, 2-4 लाख का भी नहीं कह रहा मैं, चलो 1-1.5 लाख का कैमरा ले लेता हूँ, 1-1.5 लाख का भी कैमरे अगर को मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ तो लोगों को मज़ा आएगा क्वालिटी देख के, क्वालिटी देखते हैं लोग वीडियो की और एडिटिंग अच्छी होती है तब भी लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, तब भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे पे टाइम नहीं है, और जो टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तो मैंने सोचा एक हफ़्ता आप देख लेना यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे, कि एक हफ़्ता ब्लॉग बिल्कुल नहीं आ पाया था, वो भी इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं ब्लॉग बिल्कुल बना ही नहीं पा रहा था, तो मेरे साथ ये हुआ था।
ये देखो 50-51 तक भाग रही है, 52 तक भाग रही है, 53 तक भाग रही है। वैसे बहुत सही है ये चीज़। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप देखोगे ना मेरे YouTube चैनल पे जाके, तो स्क्रॉल करके देखना, एक हफ्ता हो गया था तो व्लॉग बिल्कुल नहीं आ पाया था। और फिर मैंने डिसीज़न लिया, और मैंने, आपने देखा होगा कि अगर वो पुरानी वीडियो मेरे देखी होगी, मैंने मोटो व्लॉग के लिए माउंट मंगाया था हेलमेट का, वो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि यार, और मैं रख के भूल गया था यार कि मैंने माउंट भी मंगाया। मेरे को ध्यान ही नहीं था कि अचानक से जैसे ही मैंने मोटो व्लॉग का सोचा कि यार अगर कुछ भी नहीं बन रहा तो मोटो व्लॉग बना के कंटेंट डालो, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसका सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आप रोज़ वीडियो डालो, डेली वीडियो डालो। देखो जो लोग डेली नहीं डालते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, वो लोग हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालते हैं, वो ट्रैवलिंग भी ज़्यादा करते हैं। एक विशाखा करके, विशाखा यूट्यूब चैनल है, मैं आसपास कहीं साइड में दे दूँगा स्क्रीन पर, सीए की जॉब छोड़ दी थी अपनी। सीए की जॉब छोड़ने के बाद 2 साल उन्होंने यूट्यूब को दिया, और देखो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि यूट्यूब पे आप सक्सेस हो भी सकते हो, सक्सेस नहीं भी हो सकते हो। तो एक तो मैं उस थिंकिंग का बंदा हूँ मैं, कि अगर मुझे लगता है ना कि मैं इस काम को डेडिकेशन से कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं फ़ेल हो सकता हूँ। हालांकि फ़ेल या पास होना आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन कोशिश तो आप पूरी पूरी कर ही रहे हो ना। पर एक ना एक दिन जो बंदा 10 बार फेल हो रहा होता है, तो वो एक ना एक दिन एक बार पास ज़रूर होता है। ये बता रहा था कि उन्होंने 2 साल 2.5 साल पूरा YouTube पे दिया, जो उनकी सेविंग्स थी उन्होंने पूरी YouTube पे खर्च करी है, और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाए थे, हालांकि इतने ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे कम समय में बहुत अच्छी सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे बहुत कम समय में। और दूसरी कैटेगरी आ जाती है मेरे जैसे लोगों की, जिन पे थोड़ा टाइम की भी कमी है और इन्वेस्टमेंट की भी थोड़ी बहुत, मतलब जैसे होता है एकदम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत टेंशन वो रहती है। तो यार अगर 22,000 रुपये मैंने खर्च करे उसमों के अंदर, और इससे ज़्यादा अगर मैं अभी खर्च नहीं कर पा रहा, तो मेरे को थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मोटो व्लॉग जैसे ही मैंने सोचा कि भाई, पहले मैं डरता था मोटो व्लॉग में, ऐसे सोचता था कि यार कैमरा लिया है जो इतनी डस्ट है, इतनी धूल मिट्टी है, अगर इसमें मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी दिक्कत आ गई किसी भी तरीके से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मशीनरी है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा यार जब होगा तब होगा, जब तक कुछ नहीं हो रहा तब तक तो आप कंटेंट बना ही सकते हो ना। तो फिर इस चक्कर में मैंने मोटो व्लॉग शुरू किया है। सॉरी, अरे यार एकदम इनोवा वाले ने ब्रेक मार दी, शुक्र है इसकी भी ब्रेक, पीछे कोई था नहीं मेरे, एकदम दिल की धड़कनें तेज हो जाती है यार। नई नई स्कूटी है ना, और अगर अभी कुछ हो जाता तो उसको पापा मेरी ऐसी तैसी मार देते। आप जो काम कर रहे हो उसका रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा, उसका रिटर्न पेरेंट्स को चाहिए कि एकदम रिटर्न दिखाई देना चाहिए। लेकिन बहुत, अब जैसे हम जानते हैं कि इसका रिटर्न क्या है क्या नहीं है, कितने समय में रिटर्न आएगा, कितने समय में क्या होगा, हम जानते हैं। पेरेंट्स को ये नहीं होता पता कि ये क्या चीज़ है, यूट्यूब क्या चीज़ है, तो पेरेंट्स को ये नहीं पता होता। तो कई बार डीमोटिवेशन सा भी मिलता होगा आपको, और मेरे जैसे जो लोग होते होंगे कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेशन मिलता होगा, लेकिन उस डीमोटिवेशन में से भी आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि यार मैं आपको बताऊँ, दुनिया के अंदर 100% में से सिर्फ 70 या 80% ही लोग नेगेटिविटी के साथ रहते हैं, और
20% लोग ही होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जनता सारी की सारी नेगेटिव होती है, क्योंकि हर बंदा आपकी टांग खींचने के लिए खड़ा है, कोई भी बंदा हो। हालांकि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये भी होता है कि यार क्या ही सक्सेस होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बस उनको ये टेंशन रहती है कि जब, क्योंकि उनको ये इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता कि YouTube क्या चीज़ है, ऑनलाइन क्या चीज़ है। तो जब पेरेंट्स को ये पता ही नहीं, तो वो बस इसी चीज़ की टेंशन लेके बैठे रहते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा। हालांकि बच्चे को पता है कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो नज़रअंदाज करके पॉजिटिविटी लेता हूँ और पॉजिटिव वाइब्स में रहना पसंद करता हूँ आजकल मैं, क्योंकि बहुत पहले मैंने वीडियो बनाना बंद ही कर दिया था, 3-4 महीने वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। फिर बाद में मैंने देखा कि यार ये तो मैं अपना खुद का ही नुकसान कर रहा हूँ, लोग चाहे कुछ भी बोल रहे हों, आपको किसी की नहीं सुननी। मैं सही बताऊँ, कोई कुछ भी कह रहा हो, आपके मन में जो है वो आप काम करो। ये भी नहीं कह रहा कि जो बंदा आपके सही, आपके लिए सही कह रहा है, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके काम आ सकती है, उसको बिल्कुल अपनाओ, अगर सामने वाला आपके लिए कुछ कह रहा है तो। और अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला समझा रहे वो पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत टाइम बाद, कुछ टाइम बाद जाके पॉसिबल होगा, तो आप के मन में जो चल रहा है आप उसी हिसाब से काम करो। सबकी सुनो, लेकिन जो आपके दिल में है आप उस चीज़ की भी सुनो। दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। और मैं मानता हूँ, हो सकता है कि आप बोर भी हो जाते होगे, लेकिन या थोड़ी सी मेरी मजबूरी भी समझो, क्योंकि मुझे भी व्लॉग शूट करना है, आगे बढ़ना है, और आप ही की बदौलत आगे बढ़ पाऊँगा। बस आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, तो जैसा आप चाहोगे वैसे व्लॉग भी बनते रहेंगे। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो, कभी भी डीमोटिवेट मत हो, और हमेशा, ये क्या हो गया, चलो जो भी है। हाँ, यहाँ पे क्योंकि ट्रेन है ना, यहाँ पीछे की ओर ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि डीमोटिवेट कभी नहीं होना, हमेशा मोटिवेट रहो और खुश रहो, बस खुश रहो, खुश रहो बस।